तो गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह का 5:45 हो रहा है, मतलब 5:45 हो रहा है और हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी। तो यहाँ पे हमें घर से निकलते ही यहाँ पे क्रॉसिंग मिल गया, ट्रेन जो है क्रॉस हो रहा है। दोनों गेट लगे हुए थे और एक नहीं दो दो ट्रेन क्रॉस हुए, तो काफ़ी वेट करना पड़ा, काफ़ी लंबा रुकना पड़ा। तो और कुछ कर भी नहीं सकते, ट्रेन क्रॉस हो रहा है। तो घर से निकलते ही ये क्रॉसिंग पकड़ लिया, मतलब मिल गया हमें। और उसके बाद पेट्रोल भरना था तो वहाँ पे टाइम लग गया। तो रविश का जो है बाइक काफ़ी टाइम हो गए थे, सर्विसिंग नहीं कराया गया था, लॉकडाउन से पहले ही हुआ था। तो हम जा रहे हैं सर्विसिंग कराने के लिए बाइक में, और बाइक का आई मीन बाइक का सर्विसिंग कराने के लिए। और मुझे भी बहुत टाइम हो गए थे सिलीगुड़ी गए हुए, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना घूम लूँ सिलीगुड़ी। तो हम जा रहे हैं अभी। 7:30 AM सुबह 7:30 बज गए हैं सुबह का और हमें काफ़ी भूख लग गया था, तो हमने सोचा क्यों ना नाश्ता कर ले। तो एक अच्छा सा होटल में हम रुके, हमने चाय लिया और यहाँ पे छोला और पूड़ी लिया हमने। सुबह सुबह हमें पूड़ी ही मिला, वैसे तो मैं रोटी खोज रही थी सूखा, तो रोटी मिला नहीं। और यहाँ हम पूड़ी खा रहे हैं, हमने एक प्लेट लिया और हमने चाय भी मंगवाया है, तो बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लगा, हमने अच्छे से खाया। और यहाँ से खा के हम सीधा निकल जाएंगे अपने सफ़र के लिए, क्योंकि काफ़ी दूर है सिलीगुड़ी यहाँ से और बाइक में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब आराम से जाओ तो। Thank you.
मोमोज़ यहाँ का बहुत टेस्टी बनता है और नॉन स्टॉप मोमोज़ बनते ही रहते हैं, इतना यहाँ पे मतलब मोमोज़ का सेल होता है। सो गाइस, काफ़ी सारे शॉपिंग करने के बाद, इतना ज़्यादा घूमने के बाद मैं बहुत थक गई हूँ और अब हम जा रहे लंच करने के लिए। तो लंच टाइम हो गया था, 2 बज गया है, 2:30 बज गया है। तो अब हम जा रहे हैं, ऑटो में बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं जायका, यहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत टेस्टी बिरयानी मिलता है। तो मैंने सोचा मैं सिलीगुड़ी आई हूँ तो क्यों ना ये बिरयानी टेस्ट किया जाए। तो हम जा रहे हैं जायका के लिए, मतलब जायका के लिए हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, मतलब बिरयानी के लिए जा रहे हैं रेस्टोरेंट जा रहे हैं। तो हमें तो पता नहीं था, काफ़ी दूर था मार्केट से, तो यहाँ से हमने ऑटो पकड़ा और अब हम ऑटो में निकल पड़े हैं रेस्टोरेंट के लिए। बस ये है वेरी फेमस जायका इन सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी में बहुत फेमस है। तो ये है बिरयानी जायका का। तो हमने सलाद लिया है और मटन बिरयानी लिया है जो कि बहुत टेस्टी है, और ऐसा ही सेम हमारे पास भी मिलता है, मतलब हमारे जायगाँव में भी मिलता है। तो मुझे यहाँ का भी बिरयानी बहुत अच्छा लगा और जायगाँव का भी टेस्ट सेम ही है। तो अभी हम खाएँगे और यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस, लंच करने के बाद भी हमारा जो है बाइक रेडी नहीं हुआ था, मेरे पास टाइम है तो क्यों ना कॉस्मोस से घूम के आए। तो ये है यहाँ का मॉल कॉस्मोस, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, देखते हैं कुछ मिल जाए अच्छा तो मैं ले लूँगी, नहीं तो। तो क्रिसमस के लिए बहुत ही सिंपल डेकोर किया गया है यहाँ पे मॉल को, तो इतना कुछ खास नहीं था, बहुत ही छोटा सा डेकोरेशन किया गया है। और हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम है तो मैं यहाँ पे देखूँगी, कुछ अगर मुझे मिलता है अच्छा तो मैं यहाँ पे लूँगी। सो गाइस, फाइनली बहुत टाइम के बाद शाम के 4 बजे हमें हमारा बाइक मिल गया है। तो अभी हम निकलेंगे घर के लिए, घर काफ़ी दूर है तो लंबा सफ़र है, अभी निकलना है। और बाकी का ब्लॉगिंग जो मैं आपको घर जाके करूँगी और आपको अपडेट दूँगी। हाय गाइस, सो गाइस अभी जो है रात का टाइम हो गया है और हम आ गए हैं, हम 9:30 बजे घर पहुँचे, वहाँ से 4 बजे निकले थे और 9:30 बजे घर पहुँचे। और अभी जो है सारा डिनर विनर हो गया है, सब फिनिश हो गए हैं, सो भी गए हैं, मैं जागी हुई हूँ क्योंकि वीडियो को एंड करना था। तो गाइस मैं कुछ प्लांट लेके आई थी, आर्टिफिशियल प्लांट, जो मैं आपके आने वाले ब्लॉग में आपको बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी जो है मैं सोने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गए गाइस, बाइक पर बैठे बैठे इतना मतलब पूरा का पूरा बॉडी एकदम थक गया है। तो अभी मैं सोने जा रही हूँ और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।